गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे वृहत भारत अर्थात भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जाना था कि पूरा विषय क्या है, भारतीय संस्कृति का ऋणी है। ठीक है, पूरा विषय भारतीय संस्कृति का ऋणी है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति ने हमेशा ही क्या किया, मानव का कल्याण किया है। और भारतीय संस्कृति ने विश्व को क्या क्या दिया है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह भारतीय संस्कृति ने ही आत्मा की महत्ता, वर्णाश्रम जो प्रणाली है, धर्म और अध्यात्म का जो सिद्धांत है जो विश्व में फैला हुआ है, ये भारतीय संस्कृति की ही देन है। तो हम आगे भारतीय संस्कृति ने विश्व को क्या दिया है उसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो जो चौथी बात है वो है भारतीय दर्शन। ठीक है, भारतीय दर्शन की जो छह प्रणालियां हम लोगों ने पढ़ी है कि जो धर्म को देखने का जो नजरिया है, धर्म क्या बताता है, हमने षट दर्शन की जो प्रणालियां पढ़ी थी इसमें मैंने आपको बताया था, वो जो सिद्धांत है दर्शन का वो भारत का सिद्धांत है, उसका विदेशों में जो प्रचार हुआ है वो भारतीय नेतृत्व की है। तो क्या भारतीय दर्शन की जो देन है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, भारतीय दर्शन जिसका जो उपनिषद और वेदांत क्या है, भारतीय दर्शन के मूल आधार है। भारतीय दर्शन के बारे में जानना है तो इसका इसकी जो जानकारी के स्रोत है वो क्या है, उपनिषद और वेदांत है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए, हम लोगों ने सुना है कि जो दृश्य जगत है, दृश्य मतलब जगत में हम सब कुछ देख रहे हैं, दृश्य है ये जगत, और ये जो दृश्य जगत है ये क्या है, नश्वर है। नश्वर मतलब यहाँ जो आया है उसका अंत निश्चित है, ये जगत क्या है, नश्वर है। और क्या कहा गया है कि इस नश्वर जगत के पीछे एक ब्रह्म की, उस ईश्वर की शक्ति है। ठीक है, उस ईश्वर की सभ्यता है, उसकी स्थिति है। इस बात का जो हमें विवेचन मिलता है ये कहाँ से मिलता है, भारतीय दर्शन से ही मिलता है। ठीक है, विश्व के विभिन्न रहस्यों का उद्घाटन, जैसे आत्मा हमारे अंदर, हम क्या कहते हैं, आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, जैसे वो जब मिल जाते हैं आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा ये जो बड़ी बड़ी शरीर लेकर आ रही है, मर जाती है, फिर आ जाती है, ये आवागमन का जो चक्कर कैसे खत्म होता है, इसका जो विवेचन है, ये जो रहस्य है क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, कैसे दोनों मिलेंगे, इसका जो विवेचन है वो भारतीय दर्शन में ही मिलता है। और विश्व में ये जो बातें हमें पता चलती हैं आत्मा परमात्मा की, ये भारतीय दर्शन से ही विश्व ने ये बात ली है। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म आज भी मानव जाति के लिए धरोहर है। ठीक है, और ये धर्म कहाँ है, इसके जो संस्थापक के थे बौद्ध महात्मा बुद्ध जो थे वो भारत के जो थे। ठीक है, और आज ये धर्म देखो चीन है, नेपाल है, तिब्बत है, थाईलैंड है, लंका है, यहाँ का क्या बन चुका है, धर्म बन चुका है। तो ये भारतीय संस्कृति की ही तो धरोहर है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भारतीय दर्शन के बारे में जाना। अब हम आगे देखते हैं, अगला जो देख है वो है धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की भावना। देखिए सहिष्णुता से क्या मतलब है, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों से प्रेम करना। तो देखिए, धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की भावना हमेशा ही क्या रही है, भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। देखिए आप लोग जानते हो कि भारत में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, अनेक विदेशी जातियां आई और भारतीय संस्कृति ने उन्हें अपनी गोद में समाहित कर लिया, मतलब अपनी गोद में बसा लिया, पता इतनी चलने दिया थोड़े टाइम बाद कि ये लोग विदेशी थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अनेक संप्रदायों का भी उदय हुआ, बौद्ध धर्म भी आया, जैन धर्म भी आया, अनेक संप्रदाय आए यहाँ। ठीक है, लेकिन इन संप्रदायों में हमें कहीं भी द्वेष या कटुता की भावना नहीं मिलती है। हमने कहीं पढ़ा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही थे, या हिंदू धर्म भी था, एक दूसरे के धर्म की इन लोगों ने निंदा की हो। ठीक है, कहीं भी द्वेष की भावना नहीं मिलती है। भारत में क्या है, धार्मिक विश्वासों और विचारों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया गया है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की छूट है, अपने धर्म को मान सकता है, कहीं भी धार्मिक अत्याचार के उदाहरण नहीं मिलते हैं। ठीक है, और यही सीख विश्व ने भारतीयों से तो ली है।
है ना, और देशों में जो धार्मिक स्वतंत्रता की भावना है ये भारतीय संस्कृति की तो देन है। अब देखिए आगे गणित का अनुपम सिद्धांत। देखिए जो प्राचीन भारत के विद्वान थे उन्होंने गणित विद्या के परम आवश्यक सिद्धांत शून्य सहित दशांश गणना का जो सिद्धांत है वो इस विधि को भारतीय विद्वानों ने ही जन्म देकर पूरे विश्व पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और भारत की ये जो गणना विधि है आज इसको पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। तो ये जो सिद्धांत है शून्य दशांक गणना का जो सिद्धांत है ये भारतीयों की ही विश्व को देन है। ठीक है, अब देखिए अगला जो देन है वो है आयुर्वेद के सिद्धांत। देखिए आयुर्वेद से आप सब लोग जानते हो कि प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति थी, आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली भारत में क्या थी, प्रचलन में थी। तो प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक सिद्धांतों को क्या किया, पाश्चात्य जगत ने भी अपनाया, विदेशियों ने भी अपनाया। ठीक है, और देखिए कई आयुर्वेद के सिद्धांतों का यूनानी और फारसी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया, क्यों, क्योंकि उनको अपनी भाषा जैसे नहीं पढ़ने में आती थी तो वो अपनी भाषा में अनुवाद करवा के और आयुर्वेद के जो सिद्धांत है भारत के, है ना, उनसे अपना अपनी चिकित्सा करवाते थे। ठीक है, तो ये आयुर्वेद का जो है ये इसका जन्मदाता कौन है, भारत ही है। ठीक है, और ये आयुर्वेद विज्ञान विश्व को भारत की ही देन है। ठीक है, अगला देखिए भाषा का महत्व। देखिए भाषा का महत्व से मतलब है कि प्राचीन भारत की जो ऋग्वेदिक भाषा थी, ऋग्वेदिक भाषा अर्थात जो संस्कृत भाषा थी, वेदों की ऋग्वेद या जो वेदों की भाषा थी, हम सब लोग जानते हैं वेदों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। ठीक है, और इस वेदों की भाषा को पाश्चात्य देशों ने, इस संस्कृत भाषा ने या हम कहें कि जो ऋग्वेद की जो भाषा थी इसको विदेशों, इस भाषा ने विदेशी भाषाओं को भी क्या किया, प्रभावित किया। ठीक है, अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान युग में पाश्चात्य विद्वानों ने ऋग्वेदिक भाषा संस्कृत अर्थात संस्कृत भाषा का संगोपांग करके या अध्ययन करके, है ना, और वैज्ञानिक विवेचन करने के बाद ही भाषा विज्ञान को जन्म दिया है। और आज हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में संस्कृत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और ये भाषा कहाँ की है, भारत की ही भाषा है जो भाषा विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब देखिए व्यापारियों का सांस्कृतिक प्रसार। देखिए यहाँ से अनेक व्यापारी हमारे यहाँ के पाश्चात्य देशों में व्यापार करने जाते थे और यहाँ पर क्या है, अपनी सभ्यता और संस्कृति का, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ये लोग क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। अगर हम विश्व की विभिन्न समस्याओं को पढ़ते हैं, किताबों में, पुरानी कथाओं में पढ़ते हैं, तो इससे हमें मतलब इसका जो सोल्यूशन है उन्होंने कहाँ से लिया, क्या हुआ, मतलब भारत से इनके इन समस्याओं के समाधान की जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान भारत से या भारत के इन विदेशियों से लिया। ठीक है, आगे है कथा साहित्य का विस्तार। देखिए कथा साहित्य का विस्तार से मतलब है कि प्राचीन भाषा का जो कथा साहित्य था इसका मध्यकाल में यूरोप में क्या हुआ था, खूब प्रचार प्रसार हुआ था। जैसे खूब भारत के जो मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उन्होंने विदेशियों ने मतलब अपनी भाषा में उन ग्रंथों को अनुवादित कराया। जैसे पंचतंत्र है, पंचतंत्र जो भारत की किताब है, इसका एशिया और यूरोप की अनेक भाषाओं में क्या हुआ, अनेक भाषाओं में इसका विवाद मतलब अनेक भाषाओं में इसको परिवर्तित किया गया। और देखिए जो जातक कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित जो जातक कथाएं हैं वो विश्व के न जाने कितने ही देशों में घूमी हैं। ठीक है, जैसे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तिब्बत है, चीन है, है ना, और श्रीलंका है, यहाँ का राजधर्म है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में इन कथाओं का अनुवाद करवाया। अब देखिए चतुरंग खा खेल। देखिए
सबसे बड़ा खेल दिमाग का खेल शतरंज। शतरंज मतलब चतुरंग का खेल, कहने का भाव है शतरंज। ये जो शतरंज का खेल है ये मध्यकाल, ये भारत का ही खेल है। इसकी शुरुआत कहां से मानी गई है? भारत से ही मानी गई है। और मध्यकाल में ये क्या हो गया? पूरे यूरोप में फैल गया और वहां तो ये क्या हो गया? अत्यंत ही लोकप्रिय बन गया। लेकिन इस खेल की शुरुआत कहां से हुई है? भारत से हुई है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में भारतीय संस्कृति का विदेशों में क्या क्या प्रसार है उसके बारे में जाना। इसीलिए तो कहा गया है कि विश्व भारतीय संस्कृति का क्या है? ऋणी है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।